ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग है कुछ ऐसे हाईवे में जाके, विजिबिलिटी कुछ ऐसी है, देख लो, कोई लाइट वाइट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये रहा जादू। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइस, अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं शाम के। ओहो, और वो लॉन्च जा रही है, देखो। वैसे गाइस, डेली व्लॉग या वीकली व्लॉग्स तो आ नहीं रहे चैनल पे, और सोचा कि आज एक बना ही लेते। एंड गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले मैंने अपने क्लासिक में, यानी कि अपने डार्क नाइट में टूरिंग मॉडिफिकेशन करवाया, एंड ड्यू टू सम रीज़न सामने जो वाइजर लगा हुआ था मुझको हटाना पड़ा। एंड बाकी जितनी भी टूरिंग मॉडिफिकेशन की है वो कितनी वर्थ इट है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और भैया, यहाँ पे हमेशा ही जैम रहता है। और ये देखो कहाँ आ रहे ये लोग, पूरा लेन, कैसे इडियट लोग है। तो गाइस, टूरिंग मॉडिफिकेशन के नाम में दो ही चीज़ थी मेनली, एक तो अपना जो फॉग लैंप हो गया, ऑक्सिलरी लैंप हो गया, उसका मैं आज आपको रिव्यू दे दूंगा, क्योंकि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे मतलब कोई लाइट वगैरह नहीं है, मतलब जो पूरा हाईवे है, हाईवे एक्सप्रेस वे जो भी बोल सकते हो। एंड अभी थोड़ी देर बाद लाइट भी जाने वाली है, सो उसका मैं आप लोग को दिखा दूंगा कैसा है कैसा नहीं है। एंड विंडशील्ड भी क्यों हटाई वो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूँगा। एंड विंडशील्ड या कुछ भी चीज़ें खरीदते हो तो ये सब चीज़ें आप लोग भी देख लीजिएगा। वैसे जितने भी ये एक्सेसरीज है वो मैंने खरीदी नहीं है, मैं पहले बताया, तो मेरे को किसी ने दी है तभी मैंने ये सब लगा लिया। वेल, विंडशील्ड तो शायद एवेंजर या किसकी थी पता नहीं, वो भी ओरिजिनल नहीं थी। तो गाइस, अभी का आसमान देख लो, ऑलमोस्ट ढलने को है, मतलब ढल चुका है सूरज। और गाइस, अभी सामने आप लोग को दिख रहा है धुआं धुआं है पूरा, तो थोड़ा फॉग लैंप का थ्रो देख लेते हैं। भाई साहब, वैसे इतना धुआं में तो फॉग लैंप कोई हेल्प नहीं कर सकता, बट एनीवेज इल्यूमिनेशन जो है वो ठीक ठाक ही है। बाकी अभी बंद कर लेते हैं इसको, अभी ऑन करेंगे हाईवे में। सो अपने फेवरेट हाईवे में, अपने फेवरेट जगह में चाय पीने जा रहे हैं अभी हम लोग। बाकी गाइस, टूरिंग मॉडिफिकेशन में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिरर। सोच रहा हूँ कि ये वाला मिरर चेंज करा के हैंडल बार में मिरर लगा लूँ। वैसे रेंज तो आई डोंट थिंक इतनी कुछ सुधरने वाली है। हाँ, उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि जो छोटी वाली मिरर आती है मिरर में लगाने वाली, वो लगा सकते हैं, उससे रेंज जो है थोड़ी बढ़ जाती है। बाकी जैसा ही गाइस देख सकते हो, वाइज़र मैंने हटा दिया है, तो वाइज़र क्या प्रॉब्लम कर रही थी वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ के रास्तों के हालत कैसे है। सो जो छोटे मोटे बम्प्स वगैरह, या फिर जहाँ पे मतलब रोड टूटी हुई रहती है, या फिर स्पीड ब्रेकर हो गया, ये सब चीज़ें जो उतना अच्छे से जज नहीं हो पा रही थी। एंड गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पूरा वो सेटअप लगा के कुछ दिन पहले मुकुट मुनिपुर राइड में निकला था। सो वो राइड जो थी टोटल कुछ 550 किलोमीटर की थी, एंड 550 किलोमीटर भी नहीं, शायद से घर से बाहर निकलते ही कुछ देर चलने के बाद मुझे पता चल गया था कि ये चीज़ निकालना पड़ सकता है। लाइक गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि गड्ढे वगैरह ठीक से दिख नहीं रहे थे, क्योंकि उसका जो हाइट था वो कुछ यहाँ तक था, एंड आप लोगों ने देखा ही था उस, मतलब जो पूरा गोप्रो फुटेज आ रहा था वो उसके थ्रू ही था। एंड एज अ विंडशील्ड अगर मैं कहूँगा तो काफ़ी बढ़िया वर्क कर रही थी, विंड बफेटिंग फील नहीं हो रहा था, विंड ब्लास्ट तो छोड़ ही दो, लाइक विंड ब्लास्ट फेस नहीं करना पड़ रहा था। और क्योंकि वाइजर थोड़ी बड़ी थी तो विंड बफेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं हो रहा था। जैसे कि आप लोगों को देखा होगा हिमालयन वगैरह में, आप जब थोड़ा सा हाई स्पीड में चलाते हो तो आपके हेलमेट में जो है पूरा विंड एक साथ एक्यूमुलेट होकर मारता है, तो वो चीज़ जो है नहीं हो रही थी। एंड एज अ विंडशील्ड काफ़ी बढ़िया वर्क कर रही थी, बट एज अ वाइजर, मतलब अगर उसके थ्रू देखने की बात करो तो विजिबिलिटी बहुत पुअर थी। और आप लोग भी देख लेना कि जो आपका वाइज़र है उसके थ्रू आप लोगों को चीज़ें जो है वो बड़ी दिखाई दे रही है कि नहीं, मतलब कुछ कुछ जगह में बड़ी, कुछ कुछ जगह में छोटी, मतलब ऐसा लग रहा था कि पावर नहीं है पर फिर भी किसी ने मेरे को चश्मा पहना दिया। सो आप लोग भी अगर विंड वाइज़र खरीद रहे हो या विंडशील्ड लगा रहे हो तो फिर ये चीज़ें देख लो। एंड मेरे केस में गाइस, जो विंड वाइज़र या फिर जो फॉग लैंप्स वगैरह जो भी देख रहे हो, ये सब किसी ने गिफ्ट किया है, मैंने खुद नहीं खरीदी। सो वही मैं देख रहा हूँ कितने वर्थ इट है, अगर वर्थ लगे तो ये चीज़ें मैं रखने वाला हूँ। बाकी देखो, हेडलाइट का जो गार्ड है, इंडिकेटर गार्ड है, ये सब तो मतलब मैंने देख लिया था बढ़िया क्वालिटी के, तो उस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, वो चीज़ मैं नो डाउट रखने वाला हूँ। एंड फॉग लैंप्स का थ्रू अभी मैं कुछ देर बाद आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी जब हम लोग मुकुट मुनिपुर से वापस आए थे तो आप लोगों को पता है कि बारिश हो रही थी, तो मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी। बट गाइस, हम लोग जब वापस आते आते हम लोग रात हुआ था, तो रात का फुटेज तो आप लोगों ने नहीं दिखा पाए थे, पर रात को हाईवे में चलाने में मतलब कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, विजिबिलिटी जो है बढ़िया। देखो, क्लासिक की ऑलरेडी जो अभी हैलोजन हेडलाइट है वो काफ़ी बढ़िया थ्रो करती है, और उसके ऊपर अगर आप फॉग लैंप्स लगाते हो तो सोने पे सुहागा है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग है कुछ ऐसे हाईवे में जाके, विजिबिलिटी कुछ ऐसी है, देख लो, कोई लाइट वाइट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये रहा जादू, टटना है। सो गाइस, कुछ ऐसी विजिबिलिटी आ रही है अपने फॉग लैंप्स की, लाइक अपना जो हेलोजन वाला लाइट है वो तो पूरा ओवरराइड हो गया है।
हेडलाइट को मैं लो बीम हाई बीम कर रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा मेरे को, थोड़ा सा बस उधर छोटा सा पीला रंग का नज़र आ रहा है। सो यस गाइस, फॉग लैंप्स का थ्रो जो है वो डिसेंट है मेरे लिए, सो आई एम गोइंग टू कीप दिस। बाकी क्लासिक रिबॉन अगर आपके पास है तो क्या क्या आपको क्रूइंग मॉडिफिकेशन इसके अलावा करवा लेना चाहिए, जो मुझे लगता है वर्थ इट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया टूरिंग मिरर्स लगा लो, क्योंकि जो रेंज है पीछे का वो काफ़ी कम है, वाइब्रेशंस का तो आपको पता ही है, रिबॉन बाइक में उतनी वाइब्रेशंस नहीं है बट मिरर्स में है। सो उसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप मिरर जो है वो चेंज करवा लो। सीट्स जो है वो कंफर्टेबल है, उसको वैसे रहने दे सकते हो, या फिर आप स्प्रिंग्स अगर आप जो एसेसरीज आते हैं वो लगवा सकते हो, स्प्रिंग हो गया क्लासिक का, या फिर जो एयर कुशन अलग से आफ्टर मार्केट। एंड लगेज का तो अभी इसमें कुछ लगवाया नहीं है, बाकी क्योंकि मैं पिलियन के साथ राइड करता हूँ जनरली, तो एक बैक रेस्ट में लगवाने वाला हूँ। बाकी हम लोग पहुँच गए एक्सप्रेस ढाबा और भाई साहब यहाँ पे जैम देखो। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड यही था छोटा सा वीडियो या छोटा सा रिव्यू अपने ऑक्स लैम्प या फिर फॉग लैम्प क्या बोलते हैं इसको। एंड बाकी मैंने आपको इसके फीचर्स दिखा दिए, आई थिंक इसमें तीन मोड्स आते हैं, ये मतलब ऑन ऑफ करने से चेंज होते हैं, लो येलो हुआ और ये फ्लैशर ऑन हुआ, इसका क्या पर्पस है आई डोंट नो। बाकी गाइस वीडियो पसंद आया तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाकी इंस्टा हैंडल नीचे आ रहा होगा फॉलो कर सकते हो, एंड मिलते हैं एक और वीडियो में एक और ब्लॉग में। सो तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।